सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, ऐसा एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं, और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दे पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। सर, आई बेग टू ले ऑन द टेबल अ कॉपी ऑफ न्यू डायरेक्शन 116A हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन इशूड बाय द स्पीकर अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आप लाइव देख रहे थे सदन से कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में पुलिस ने गैंगरेप के मामले में जिला पंचायत सदस्य के आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। आरोप के मुताबिक कार सवार लड़कों ने 14 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया था और फार्म हाउस में 5 दिनों तक गैंगरेप किया गया था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पहले ही बारिश में डूब गई दिल्ली। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है और कई जगहों पर ऐसी तस्वीर सामने आई जो हैरान करती है। जलभराव से आम लोग परेशान हैं, तो वहीं सांसदों के घरों में भी पानी भर गया है। दिल्ली में एसपी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के घर पर भी पानी भरा हुआ नजर आया और न्यूज 18 ने इसका जायजा लिया। आपको दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रामगोपाल यादव के घर में भी पानी घुस गया है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। न्यूज 18 ने जायजा लिया, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इन 2 तस्वीरों को देखिए। एसपी सांसद के घर पर पानी और सांसद को जब निकाला गया, किस तरह से वो वहां से निकलते नजर आए, किस तरह से लोगों ने हेल्प की, वो आप देख सकते हैं। उठाकर के कार में बिठाना पड़ा।
सर आपको पार्लियामेंट जाना है, जा पाएंगे क्या लग रहा है? वो हमारी गाड़ी तो निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि अगर वो गेट पे जो अपने बैरियर लगाया है वो अगर खोल देंगे तो एक मिनट में सारा घर भर जाएगा, क्योंकि बाहर इतना ज्यादा पानी है। अंदर से पानी जो निकास है वो इसलिए नहीं खोल सकते कि वो तो सड़क का पानी यहाँ से भी आना शुरू हो जाएगा। तो अब कोशिश करेंगे, कोई पार्लियामेंट से कहा है मैंने 10 बजे तक कोई गाड़ी अगर आ जाएगी तो उससे चला जाऊंगा। क्या किसी NDMC से या जो लोग जिम्मेदार हैं? 4 बजे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 4 बजे से, और तमाम लोगों से बात की। एक कोई IAS हैं, अप्पू या पप्पू कुछ ऐसा ही नाम है, उनसे भी की, चीफ इंजीनियर काक भेजेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो सेक्रेटरी हैं IAS सुरेंद्र सिंह, उनका टेलीफोन भी आया था कहीं से, किसी ने कहा होगा, उन्होंने कहा अभी चीफ इंजीनियर पहुंच रहे हैं 5 मिनट में, उनको 1 घंटा हो गया, फिर उनका टेलीफोन आया कोई आया कि नहीं आया, कोई आया नहीं। सब हाई अप्स भी जब हायर अप्स के अधिकारी कह रहे हैं, इसके बाद भी NDMC का कोई केयर नहीं कर रहा है। देखिए पहले तो मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, प्रोफेसर राम गोपाल यादव राज्यसभा में नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो अपने घर में बंधक हैं इस समय। जरा तस्वीरें देखिए, सबसे पॉश ये बाजार है खान मार्केट, और खान मार्केट के सामने की जरा तस्वीरें आप देखिए, एक पेड़ गिर गया है और उसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गया है, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया, और सारे मंत्रियों और सारे बड़े जो सांसद हैं उनका ये आवास है एक तरफ से, और पूरा पानी भर गया। जरा मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव का जो घर है वहाँ पर कैसे उन्होंने इंतजाम किए हैं पानी से बचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद देखिए दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाता हूं, इधर जाना पड़ेगा मुझे, वो अपने घर में बंधक है, और किस तरह देखिए ये पानी कितना अंदर भी भरा हुआ। जरा आइए कमल देव जी और सीधे उनके घर में चलते हैं, दिखाते हैं कि उनको संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने जाना है, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने वाले हैं, लेकिन वो अपने घर में है, और उनके पुत्र जो है फिरोजाबाद से सांसद चुने गए अक्षय यादव, वो भी यहीं पर है, और ये पूरा जो इलाका है ये देखिए, जरा ये कोठी है उनकी और काफी अरसे से है, ये देखिए इसमें चलना मुश्किल हो रहा है, लगभग एकदम जैसे लग रहा है कि नदी बन गया, और ये देखिए जो जेनसेट आए हुए हैं, जनरेटर आए हुए हैं कि पानी निकाला जाए, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। कुर्सियां जो है आपको थोड़ी बहुत दिखाई दे रही होंगी, पूरा लबालब पानी से भर गया है ये खान मार्केट के सामने, पॉश इलाका इसको कहते हैं, वो इलाका है। देखिए घर के अंदर की हालत देखिए। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि भारी बारिश की वजह से दिल्ली में किस तरह लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 8 तस्वीरों के जरिए आप देखिए और हालात समझिए। दिल्ली के कई पॉश इलाके पानी पानी हो गए हैं, और हम आपको संसद भवन, कनॉट प्लेस की तस्वीरें भी दिखाएंगे, तो देख सकते हैं आप कहीं पर नदी बन गई है सड़क, और मिंटो अंडरपास में भी जल भराव हुआ। बारिश ने दिल्ली को तालाब बनाकर रख दिया है, जगह जगह पर ट्रैफिक जाम, कई जगहों पर कंटेनर पूरी तरह से पानी में डूब गया, पानी पानी हो गई है राजधानी दिल्ली। तो देख सकते हैं आप ये भी तस्वीर, आज राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कुछ ऐसी ही तस्वीर सुबह सवेरे सामने आई, कुछ ही घंटों की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। और इसके साथ ही दिल्ली के आजाद मार्केट अंडरपास में भी पानी भर गया, जिसमें एक बस फंस गई, और बस में फंसे हुए लोगों को रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया गया, तो रेस्क्यू के दौरान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पहली बारिश में ही दिल्ली पूरी तरह जलमग्न हो गई है, तस्वीरें देख सकते हैं आप, बस में फंसे हुए यात्रियों को भी रस्सी के सहारे निकाला गया। उधर दिल्ली में हुई बारिश के बाद रोहिणी मेट्रो स्टेशन के करीब भी सड़क में कार धंस गई, और बारिश के बाद सड़क में कार धंसने की यह तस्वीर सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़क अंदर की ओर धंस गई और इसकी वजह से कार यहां पर फंस गई है, गड्ढे में कार फंस गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर सामने आई रोहिणी मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली के कई इलाकों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें, परेशानी भरी तस्वीरें सुबह सवेरे सामने आई हैं। तो पहली ही बारिश में डूब गई दिल्ली, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, और कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं।
तो देख सकते हैं इन दोनों तस्वीरों के जरिए, पहली तस्वीर जब बस से रेस्क्यू किया गया, रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया तमाम लोगों को जो बस में सवार थे, वो देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर जहां पर रोहिणी में सड़क धंसने की वजह से एक कार उसमें फंस गई, कार गड्ढे में गिर गई। दिल्ली के नेहरू नगर में भी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, जगह जगह पर पानी जमा हो गया है। तो ये देख सकते हैं तस्वीर आप, यहां पर भी पानी पानी जमा नजर आया हर तरफ, और ज्यादातर सड़कें तालाब बनी नजर आई। लोग परेशान होते दिखाई दिए, और जो लोग अपने घरों से निकले अपने अपने गंतव्य पर जाने के लिए, वो रास्ते में ही फंस गए और अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। तो दिल्ली के नेहरू नगर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी। कई सारे इलाकों में पानी भर गया है, और इस वक्त हम लोग दिल्ली के नेहरू नगर में मौजूद है, जहाँ पे घुटने घुटने तक पानी है। पानी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, ये थोड़ा पूरा रास्ता देख सकते हैं कि भर चुका है, पानी आ गया है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द जल्द पानी, और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।